Good morning and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 39 from Modern Indian History series in which we will discuss Home Rule Movement a new topic. I never lose I either win or learn a beautiful thought from Nelson Mandela. Main kabhi hara nahi main jeeta ya main sikha. इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो कि होम रूल मोवमेंट पे होने वाला है उसके पहले मैं आपको बता दूं अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आई डी श्रेयस बड़ी द पीस लवर यहाँ दिया हुआ है दिस इज माई फेसबुक आई डी दिस फेसबुक पेज यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक दिस इज माई इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो फॉलो माई चैनल एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन अगर आप बेल आइकॉन क्लिक करते तो आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहेंगे अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे सो so, पीछे मत रहिए आज ही बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए उसके साथ साथ जो मैंने एमसीक्यू चैलेंज शुरू किया है मेक एमसीक्यू चैलेंज उसके वो चैलेंज कंप्लीट वाले करने वाले जो लोग हैं उनका नाम है स्नेहल पिपरेवार जी अक्षत चौधरी जी पूजा भारद्वाज जी और अलविशा पटवर्धन जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा चैलेंज पूरा किया और हम सबकी हेल्प की, की प्रिपरेशन में आंसर सॉल्व कर एम प्रैक्टिस करने में ओके okay, सो so आपके जो क्वेश्चन है ये हम लेक्चर के अंत में डिस्कस करने वाले हैं सो so सब लोग बने रहिएगा अंत तक लेक्चर के सो so अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है होम रूल मूवमेंट होम रूल मूवमेंट के बारे में आपको मैं बता दूं कि होम रूल मूवमेंट जो ये मूवमेंट स्पेशली इंडिया में चलाई गई थी एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा यहाँ आपको तस्वीर दिख रही है एनी बिसेंट की उसके साथ साथ आगे आपको मैं लोग बाल गंगाधर तिलक इनकी भी तस्वीर दिखाऊंगा आप अच्छे से जानते हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक तो पिछले लेक्चर आपने देखे हुए आई होप तो आपको ये लेक्चर जल्दी समझ में आने वाला है अब हम सबसे पहले ये मूवमेंट पढ़ने के पढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मीनिंग जान लेते हैं होम रूल मूवमेंट होम रूल मूवमेंट होम यानी स्व रूल यानी राज्य तो स्वराज्य हमको होना था होम रूल होना था तो यही मूवमेंट थी ये होम रूल कि हमको यहाँ स्वराज्य दिया जाए सो अब हम इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हुआ था कांग्रेस में जैसे कि हम ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टडी कर चुके हैं और हमने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज भी देखा हुआ है आप सब अभी इसको अच्छे से जानते आप फैमिलियर हो आप फैमिली और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज से इसलिए मैं यहां आपको बताना चाहूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका स्प्लिट हुआ था 1907 में आपको सेशन का नाम भी पता है सेशन का नाम है सूरत सेशन 1907 का बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था ये भी मैं आपको बता चुका हूं 1908 से 1914 सौ चौदह साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था और इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट थी ये पूरी तरह रुक गई थी बट तिलक्स रिलीज एंड द एडवेंट ऑफ एनी बिसेंट ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ़ द नेशनल मूवमेंट बट तिलक को जब रिलीज किया गया छोड़ दिया गया 1914 में और एनी बिसेंट जब इंडिया में आई उसके बाद नेशनल मूवमेंट फिर से शुरू हो गई एनी बिसेंट कौन है एनी बिसेंट जो है यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हो उसके साथ साथ आपने मेरा सोशल रिफॉर्मर के वीडियोज़ देखे उसमें भी आपने एनी बिसेंट का नाम सुना हुआ है एनी बिसेंट एक आयरिश सोशलिस्ट थी आयरिश यानी आयरलैंड की लेडी थी एनी एनिबिसेंट और उसके साथ साथ सोशल वर्कर थी राइटर थी ओरेटर थी स्पीच बहुत अच्छा देती थी लिखती बहुत अच्छा थी तो ये थे हमारे एनी एनी एनिबिसेंट ने अगर देखा गया तो उन्होंने आयरलैंड में और इंडिया में होम रेल मूवमेंट्स चलाई थी वो इंडिया में एटीन में आई थी मैंने आपको कहा था अडियार अडियार में तब ये जो भी है थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बनाई गई थी और मैं ये आपको सोशल रिफॉर्मर्स में बता चुका हूँ जब वो तिलक जो थे तिलक हैविंग रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन मंडाले मंडाले नाम की जो जगह है जो म्यांमार में है, वहां से तिलक लौटे और तिलक को लौटने के बाद ये समझा कि जितना टाइम वो इस देश में नहीं थे उतना टाइम के लिए नेशनल मूवमेंट रुक चुकी थी और देश की हालत और ख़राब हो चुकी है ब्रिटिश उसको और ख़राब करते जा रहे उसके बाद उनको लगा कि ही अंडरस्टूड द नीड फॉर रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द कंट्री उनको लगता है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट फिर से शुरू करने की ज़रूरत है इस देश में इसी ये इसी चीज़ के साथ जब उनको यह समझा कि नेशनल मूवमेंट अगर चलाना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ होने चाहिए सो ही अंडरस्टूड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी उनको ये भी पता चला कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी होनी चाहिए तभी आपके साथ लोग जुड़े हुए रहेंगे और लोग जुड़े हैं लीडर्स जुड़े हुए हैं पब्लिक है बहुत सारी तो आप एक मूवमेंट चला सकते हैं अच्छे से सो so आपको एक पार्टी की जरूरत है और ये पार्टी बनती है कांग्रेस पार्टी सो उन्होंने फर्स्ट टास्क ये काम किया कि जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे ना, तो उन्होंने ये देखा कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो हुआ था, 1907 में, उन दोनों को एक होने की जरूरत है uh, so first, uh, so आपको ये पता करना है कि उन्नीस का जो कांग्रेस का सेशन है वो कहाँ पे हुआ था आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है 1915 में कांग्रेस का सेशन हुआ था और वहां यह डिस, डिसाइड किया गया था कि जो एक्स्ट्रीमिस्ट है उनको पार्टी में वापस लिया जाएगा क्योंकि एनी बिसे ने बहुत प्रयत्न किए थे तो ये उनके जो प्रयत्न थे उनकी जो कोशिशें थी ये काम कर रही थी और दिसंबर 1915 में में को पार्टी वापस लेने का निर्णय लिया गया विसेंट ने हैड आल्सो द नीड फॉर कांग्रेस अप्रूवल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल नेशनल स्ट्रगल सो बिस जो थे उन्होंने ये भी कहा कि हमको कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत है कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत है और कांग्रेस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है जो हम नेशनल मूवमेंट चलाने वाले नेशनल स्ट्रगल चलाने वाले एक्सट्रीमिस्ट का उसमें यानी आज एक्सट्रीमिस्ट को भी नेशनल मूवमेंट में एक तरह से कांग्रेस की जरूरत थी क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी थी और अगर कांग्रेस आपके साथ जुड़ जाती थी सो आपको बहुत मासेस का यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स का सपोर्ट मिलता था और लीडर्स थे वॉलेंटियर्स थे काफ़ी हेल्प हो जा रही थी तो बेसेंट यही चाह रही थी कि कांग्रेस भी हमारे साथ मिलकर नेशनल स्ट्रगल में काम करे उ एर बीसेंट एंड तिलक नॉट एबल टू कन्विंस कांग्रेस टू सपोर्ट देयर डिसीजन टू सेटअप होम रूल है ना सो so, ये लोग होम रूल लीग बनाना चाहते थे क्योंकि कांग्रेस जो है जिसपे डॉमिनंस चलता है मॉडरेट्स का डोमिनेंट्स का जो तरीका था ये तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाने वाला था और थोड़ा स्लो था सो so, ये लोग चाहते थे कि हम एक होम रूल लीग बनाएं और कांग्रेस के सपोर्ट के साथ वो होम रूल लीग चलाई जाए हम ये भी चाहते कि कांग्रेस के सपोर्ट के साथ साथ हम ये भी कर सकते कि होम रूल लीग और कांग्रेस में काम करेगी हो सके तो होम लीग कांग्रेस के अंडर काम करेगी ये भी चलेगा बट अप अपने तरीके से सब यहां काम करेंगे so, बीसेंट और तिलक जो थे वो आ, उन्होंने ये बहुत कोशिश की तो, की तो कि वो कांग्रेस को कन्विंस कर ले बट वर नॉट एबल टू कन्विंस कांग्रेस टू सपोर्ट दियर डिसीजन टू सेटअप होम रूल लीग होम रूल लीग एक अलग सी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस का परमिशन नहीं मिली उनको और यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया इसमें फिर से जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये कांग्रेस में नहीं जा पाए अब जो बीसेंट और तिलक थी वर नॉट एबल टू कन्विंस द कांग्रेस टू सपोर्ट देअ डिसीजन टू सेटअप होम रूल लीग सो जो बीसेंट थी उन्होंने कन्विंस कर लिया कांग्रेस को कि ठीक है आप मत जोड़िए हमारे पार्टी को आपके साथ बट इतना हमको वादा कीजिए कि आ, एजुकेटिव प्रोपोगडा जो है यानी मासेस जो है उनको एक तरह से हम आ, इस चीज़ का नॉलेज देते रहेंगे उनको एजुकेट करते रहेंगे कि क्या हमको करना है आगे और कुछ लोकल लेवल कमिटीज़ बनाई जाएगी जिसके द्वारा लोगों को अवेयर किया जाएगा ऐसी कुछ चीज़ें बी ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया कि वो इस तरह से काम करेगी तो यही कुछ चीज़ें थी कि बिसेंट ने काफ़ी प्रयत्न किए थे बट इट वॉज ऑल्सो एग्रीड अपॉन दैट इफ द कंडीशन और ये जो दो कंडीशन है देखिए मासिस को हमको एजुकेट करना है सबसे पहले मासेस को एक चीज़ पहुंचानी है कि स्वराज्य क्या होता है किस तरह से हमको काम करना है किस तरह से हमको मूवमेंट चलाना है नेशनल मूवमेंट चलाना है सब चीज़ के लिए लोगों को एक एजुकेटिव प्रोपोगडा था उनका और लोकल लेवल कमिटीज़ बनाने वाले थे लोकल लेवल पे जो कमिटीज़ बनाई जाएगी ये कमिटीज़ कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सो ये क्या काम करने वाली थी तो ये कमिटीज़ लोगों को अवेयर करने का काम और एजुकेट करने का काम ये सब कमिटीज़ करेगी क्योंकि ऊपर नहीं कर सकते सब ऊपर से आपको नीचे की चीज़ें नहीं पता चलेगी ग्राउंड लेवल की तो लोकल लेवल एक कमिटीज़ यहाँ होनी चाहिए ऐसा बीसेंट का एक तरह से एक विचार था और ये चीज़ कांग्रेस इस पे आ, एग्री हो गया इट वॉज दैट इफ द कंडीशन वर नॉट सो दंडीशन ये भी कहा गया कि September 1916 तक अगर ये जो चीजें हमने कांग्रेस को कही है अगर कांग्रेस ये नहीं मानता है तो हम अपनी होम रूल लीग बना सकते हैं अभी तो ठीक है हमारे होम रूल लीग का जो काम है अगर वो कांग्रेस में ही हो रहा है क्योंकि हमको यही काम करना था तो ठीक है बट 1916 सितंबर तक अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम अपनी अलग से होम रूल लीग बनाएंगे और ये काम नहीं हुआ अकॉर्डिंगली जो एन एसेंट थी उन्होंने होम रूल लीग बनाने की स्थापना विचार कर लिया 1916 में और यहाँ होम रूल लीग बनाई गई 1916 सितंबर में तो ये अलग सी पार्टी थी होम रूल लीग तो ये भी हम देखने वाले तिलक जो थे उनके ऊपर ऐसा कोई यहाँ पे वो ऐसे कोई चीज़ से लेके उनके ऊपर या फिर शर्तें नहीं थी तिलक की कोई तो तिलक को कोई तिलक वॉज नॉट बाउंड बाय एनी सच कंडीशन ठीक है कोई कंडीशन नहीं होने के कारण तिलक कभी भी बना सकते थे तिलक ने अर् अरी अर्ली ये डिसीजन ले लिया था तो अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी लीग बना ली और जो होम रूल लीग बीसेंड ने बनाई थी वो बनाई गई थी इन सप्टेम्बर नाइनटीन तो क्योंकि यहाँ उन यहाँ तक का टाइम लिया था तो तिलक ने ये काम पहले ही कर दिया जब उनको ये लगा कि कांग्रेस अभी फिलहाल मूड में नहीं है कि वो सुने आपका और ये सब चीज़ें के लिए आपको परमिशन दे इसीलिए यही ठीक होगा कि हम अभी से ही अपनी होम रूल लीग बना के काम शुरू कर दे सो so, अब हम देखने वाले फाउंडेशन अब हमने देखा कि ये ये, ये दिन बनाई बनाई गई गई में गए, तो ये किस तरह से बनाई गई इनको हम अभी डिटेल में स्टडी करने वाले सो so, सबसे पहले अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है फाउंडेशन ऑफ uh, होम रूल लीग फाउंडेशन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिख रही है ये है बाल गंगाधर तिलक जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है और ये जिनकी तस्वीर दिख रही है एनी एनिबिस की तस्वीर जो है मैं आपको पहले स्टार्टिंग में भी दिखा सकू दिखा चुका हूँ ये उनकी आ, ओल्ड एज की तस्वीर है और यहाँ पे आपको उनके यंग जब वो थे तब आप तब के आपको यहाँ तस्वीर देखने मिल रही है उनकी सो आपको मैं ये बता दू फाउंडेशन में कि, कि किस तरह से बनाई गई जो लीग थी ये आ, दो लीग बनाई गई थी दो सेपरेट होम रूल लीग थी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी सो so, टू होम रूल लीग्स वर लॉन्च तिलक लॉन्च होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट बेलगाम ठीक है ये अच्छे से याद रखेगा तिलक की जो होम रूल लीग थी ये अप्रैल 1916 में बेलगाम में बनाई गई और बिसेंट की जो होम रूल लीग थी ये सप्टेंबर उन्नीस में मद्रास में बनाई गई क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसमें एनबिसेंट काम करती थी और ये अडियार करके जो जगह है मद्रास के पास वहां पर थी तो इन्होंने ये में बनाई तिलक की जो लीक थी वो काम करती थी स्पेशली महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी को छोड़ के कर्नाटक में बेरार में और सेंट्रल प्रोविंस में ठीक है तो यहां इतने सारे जगह पे तिलक की लीक काम करती थी महाराष्ट्र बॉम्बे शहर छोड़ के बॉम्बे शहर पे हानी बीसेंड की जो लीग थी वो काम करती थी इसके पीछे का रीजन ये है कि तिलक खुद बॉम्बे के थे और लीडर को अपने जगह पे प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है खुद का क्योंकि वो वैसे ही वहां फेमस होता है उनके नाम से ही लोग आते हैं तो उन्होंने सोचा कि बाकी जगह प्रचार किया जाए बाकी बॉम्बे के लोग तो आएंगे ही बीसेंड भी वहां रही तो मेरे नाम से सो so, तिलक की जो लीग थी वो महाराष्ट्र कर्नाटक बेरा और सेंट्रल प्रोविंस में काम करती थी और बीसेंड की जो लीग थी वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट बॉम्बे इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी तिलक बेसेंट की लीग काम करती थी एनी बेसेंट की सो so इस तरह से लीग अलग अलग जगह पे काम कर रही थी ये बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंस जो ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पोर्शन बनता है और नागपुर और ये सब यहाँ पे आता है सेंट्रल प्रोविंस में नागपुर वॉज अ कैपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एट दैट टाइम तिलक की जो लीग है उनका हेड क्वार्टर दिल्ली में था ये चीज याद रखेगा और उनके छह ब्रांचेस थे जबकि जो बिसेंट थे उनके 200 ब्रांचेस थे तो इस तरह से इनके लीग काम कर रहे थे उसके साथ साथ इन्होंने मर्ज नहीं किया दोनों लीग को अलग अलग काम किया दे डिड नॉट मर्ज टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द लीडर्स यानी देखेंगे अगर अलग अलग लीडर्स है बड़े बड़े लीडर्स दो काम कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग जगह पे काम करना अलग अलग लीग में काम करना अच्छा होगा अगर एक ही में आप आके काम करोगे तो हो सकता है आपके विचारों को लेकर आप में फिर से झगड़े हो जाए और आपकी लीग ही टूट जाए ऐसा ना हो इसीलिए इन लोगों ने यह निर्णय लिया था कि हम अलग अलग लीग पे काम करेंगे अब हम देखते हैं कि होमरू लीग बनाई गई थी लीग बनाई गई थी उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या थे हम अभी स्टडी करने वाले सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में लाना यानी स्वराज्य जो है वो इंडिया में स्थापित करना दूसरा है टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन यानी राजनीतिक शिक्षण लोगों तक पहुंचाना लोगों को बताना कि किस तरह से मूवमेंट चलाई जाती है लोगों को डिस्कशन करना लोगों के साथ टू सेटअप एजुटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट यानी हमको क्या क्या प्रदर्शन करना है गवर्नमेंट के खिलाफ हमें क्या क्या करना है काम तो ये सब चीजें आपको बताना है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए यानी स्वराज्य के लिए हमको क्या क्या करना है स्वराज्य क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ स्वराज्य यानी समझ जाइए ये पूरा देश है ये पूरा देश है यहाँ पे एक हेड़ है जो काम कर रहा है और बाकी जो छोटे छोटे जगह पे जो हेड़ बने हुए हैं वो भी कोई बाहर के ही लोग हैं सो ये अगर ब्रिटिश है ये फिर ये जो हेड है वो ब्रिटिश है बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो ब्रिटिश है तो ये स्वराज्य नहीं हुआ और ये जो बाकी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो देश चला रहे हैं वो यहाँ पे इंडियन होने चाहिए हालांकि जो हेड होता है वो ब्रिटिश रहा तो हमें चलेगा बट बाकी जो हम चला रहे हैं हमारी गवर्नमेंट्स वो सब इंडियन गव इंडियन लोगों के द्वारा चलाई जानी चाहिए तो ऐसा एक स्वराज्य होता है और पूर्ण स्वराज्य यानी हेड जो होगा वो भी इंडियन ही होगा सो इस तरह से स्वराज्य की एक डिमांड थी टू बिल्ड uh, ये दूसरी बात हो गई उसके साथ साथ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमोंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट्स सप्रेशन यानी गवर्नमेंट देखिए सप्रेस कर रही थी लोगों पे अत्याचार कर रही थी लोगों पे जुल्म किए जा रहे थे तो ये सब चीज़ों के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है हमें लीग बना के ये एक और चीज़ उन्होंने सोची थी उसके साथ साथ टू डिमांड लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यही मैंने आपको जो बताया ये जितनी भी जगह है यहाँ हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे काम करें यही हमारी डिमांड है ये हमें लाना है

ये चीज़ों के कारण ही होम रूल लीग बनाई गई उसके बाद हम देखने वाले कि इन्होंने क्या क्या काम किए तो क्या क्या काम किए ये हम अभी जान लेते हैं तो एक्टिविटीज देखते हैं इनकी इन्होंने जो जो काम किए इस देश में तो इनके जो काम थे उसमें सबसे पहले लीग ऑर्गेनाइज डेमानस्ट्रेशन एंड एजुटेशन इन्होंने बहुत सारे डेमॉन्स्ट्रेशन किए और इन्होंने हम ये भी कहेंगे कि इन्होंने एजुटेशंस यानी हम ये कह सकते हैं कि डेमॉन्स्ट्रेशन यानी इन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किए एजुटेशन यानी इन्होंने आंदोलन चलाए तो इस तरह से लीग ने काफ़ी सारे काम किए थे देर वर पब्लिक मीटिंग है ना ये पब्लिक मीटिंग चलाते थे आम सभा चलाते थे पब्लिक को जमा करते थे इकट्ठा करते थे और उनके साथ मीटिंग लेते थे और जो लीडर्स थे वो यहाँ पे स्पीच देते थे और लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर करते थे कुछ करने के लिए देश के तो ये भी उन्होंने किया दे वर एबल टू क्रिएट स्टिर विद इन कंट्री एंड अलार्म

उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है इसका महत्व क्या रहा है इसका महत्व क्या रहा है ये अभी हम स्टडी करने वाले द सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल लीग तो होम रूल लीग बनाने का महत्व सबसे पहले हमारे हमारे देश को ये मिला और इसका महत्व ये रहा कि होम रूल लीग ये अगर हम देखेंगे तो लीग फंक्शन थ्रू आउट द ईयर एज अपोज टू द कांग्रेस पार्टी हुज एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू वंस अ ईयर है ना तो यानी अगर हम देखोगे तो होम रूल लीग जो थी इन्होंने पूरे साल भर काम किया जो पूरी तरह से देखोगे तो कांग्रेस की कांग्रेस के जो भी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे वो साल में एक बार होती थी और होम रूल लिख के जो भी काम हुए वो पूरे साल भर चले सो so ये बहुत ही एक अच्छी एक महत्व रहा कि इस तरह से काम होने चाहिए इस देश में मूवमेंट जो था वाज एबल टू गार्नर ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस है ना तो एजुकेटेड इंडियन से बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो सच में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लड़ रहे थे उन्नीस में अगर आप देखोगे तो दोनों लीग कंबाइन हो गई थी और अराउंड चालीस हजार मेंबर लीग में थे ये हालत थी 1917 में क्योंकि देखिए एनी बिसेंट को अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद जब एनी बिसेंट जब अरेस्ट हो गई तो ये बहुत जरूरी था कि आप दोनों लीग को जोड़ दो और अभी काम करो क्योंकि ब्रिटिश अभी बहुत ज्यादा आपके खिलाफ आ, जो आ, रिप्रेशन है वो कर रही थी आपके खिलाफ आ, आपको दबाने की कोशिश यहाँ की जा रही थी तो दोनों जो लीग है ये साथ में आ गई आ, ताकि बहुत बड़ी पावर बन जाए और अगर देखोगे तो ये लोग चालीस हज़ार मेंबर्स थे लगभग लीग में उस टाइम पे दोनों को मिलके बहुत सारे जो मेंबर थे वो कांग्रेस से थे और मुस्लिम लीग से थे जो इस लीग में ज्वाइन हो गए थे तो मेनी लीडर्स फ्रॉम मेंबर्स फ्रॉम जैसे कि अली जिना आप कह सकते हैं या फिर आप नेहरू कह सकते हैं ये सब लोग जो थे ये सब यहाँ ज्वाइन हो चुके थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस से जो थे लीग को उन्होंने ज्वाइन किया था होमरुल लीग को और काफ़ी यहाँ पे जैसे कि नाम लिखा है मोहम्मद अली जिना जोसे जोसेफ बैप्टिस्टा जी एस खारपाड़े हो गए उसके साथ साथ एस सुब्रमण्य अय्यर हो गए ये सब जो लोग थे ये ज्वाइन हो गए मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग जो थे वो यूनाइट हो गया इस मूवमेंट के कारण तो होम रूल लीग ने बहुत एक अच्छा काम किया था कि सबको एक करा के दिखाया था इस देश में तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात थी हम लोगों के लिए उसके साथ-साथ इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में जागृत किया था टू मोर रीजंस इन द कंट्री है ना तो लोगों में एक जागरूकता लाई थी लोगों में एक फैलाया जो चीज गई थी वो थी एक राजनीति के लेवल पे जो आपका कॉन्शियसनेस होगा यानी एक चेतना कह है सकते हैं हम ये सब चीज़ों के यहाँ जागरूकता हुई थी लोगों के बीच में और दिस मूवमेंट लेड टू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन इन 1917 सेवेंटीन ने एक डिक्लेरेशन दिया था यही मूवमेंट के कारण क्योंकि मूवमेंट बहुत जोर से चल रही थी अब तक जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज रुकी हुई थी वो अचानक से इतने जोर से चलने लगी ब्रिटिश सरकार भी थोड़ी सी डर चुकी थी इससे इन विच इट वॉज डिक्लेयर दैट देर वुड बी मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट और उन्होंने ये बोल दिया कि हम गवर्नमेंट में इंडियंस को जगह देंगे और हम अल्टीमेटली आपको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स बना के देंगे और रेस्पॉसिबल गवर्नमेंट सेटअप करके देंगे इंडिया में यानी मैं आपको बता चुका हूँ यही वाली चीज़ है ना तो यही वाली जो चीज़ है ये हम आपको करके देंगे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है

ये जो डिक्लेरेशन था इसको ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहा जाता है याद रखिएगा कि आपको सेल्फ स्वराज्य मिल जाएगा इसको ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहा जाता है जो मॉन्टेग्यू ने दिया था सो so, जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने ये आ, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया था और यही डिक्लेरेशन को ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहा जाता है और इम्प्लायड दैट द डिमांड फॉर होम रूल विल नो लॉन्गर भी सेडिशियस पहले ये ऐसा था कि जो लोग भी ये डिमांड करेगा जो लोग ये आ, आ, मांगेगा कि हमको स्वराज्य होना उसको सेडिशियस डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसको देशद्रोह डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस इंसान को देशद्रोही और उसको सजा दी जाएगी तो ऐसा अब नहीं था उन्होंने ये भी ऑगस्ट डिक्लेरेशन में लिखा था मॉन्टेग्यू ने कि ऐसा अब नहीं होगा दिस वॉज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट इससे बड़ा क्या महत्व हो सकता है इस मूवमेंट का है ना सो so ये सब चीजें यहाँ पे चली ये महत्व सो so ये मूवमेंट तो बहुत जोर से चली पर ये हमको आगे क्यों नहीं दिखे इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं मिले तो फेलियर होते गया इनका और डिक्लाइन होते गए किस तरह से देखते हैं सो so ये फेल कैसे होते गए और डिक्लाइन कैसे हो गए जबकि इतने अच्छे से ये चल रहा था सो so अब देखते हैं द मूवमेंट वाज नॉट अ मास मूवमेंट सबसे पहले ये मास मूवमेंट थी नहीं और कोई भी मूवमेंट जो है उसमें अगर मास मूवमेंट होगी सो ये बहुत जोर से चलेगी और इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू एजुकेटेड पीपल जैसे कि मैंने बताया एजुकेटेड लोगों को यहाँ ज्वाइन किया था और कॉलेज स्टूडेंट्स थे इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे कि बहुत सारे जैसे पीजेंट लेंगे या फिर वर्कर्स बहुत सारे नॉर्मल जो कॉमन मासेस है वो इसमें नहीं थे सो ये मास मूवमेंट नहीं चल पा रही थी तो मास मूवमेंट चलाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था यहाँ पे और लीग जो डिड नॉट फाउंड लॉट ऑफ सपोर्ट अमंग मुस्लिम जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग यहाँ ज्वाइन हुए मुस्लिम लीग के बट मुस्लिम्स जो थे या एंग्लो इंडियंस जो है या नॉन ब्राह्मण जो है साउथ इंडिया के उन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया और सपोर्ट नहीं करने के कारण यहां बहुत मासस नहीं आ पाए और ये मास मूवमेंट नहीं बन पाई मास मूवमेंट नहीं बन पाई बट इशू यह कि इन लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया था इन लोगों ने यहां सपोर्ट क्यों नहीं किया था क्योंकि एंग्लो इंडियन कौन होते मैं आपको बता चुका हूं जिनके ब्रिटिश एंग्लो यानी ब्रिटिश और इंडियन यानी जो भी बच्चे जो बच्चे के जो पेरेंट होते हैं वो ब्रिटिश और इंडियन हो गए सो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं किसी के फादर ब्रिटिश और मदर इंडियन है सो वो बच्चे एंग्लो इंडियन कहलाते और नॉन ब्राह्मण तो इनको क्या डर था इनको ये डर था सबसे कि ये जो लीग है या फिर ये जो मूवमेंट है इसमें ज्यादातर अपर कास्ट के हमें हिंदू लोग दिख सक्सेस मिल गया तो हिंदू मेजोरिटी हिंदू वही देश को चलाएंगे सेल्फ गवर्नमेंट को या आपकी चीजों को जब तक आप हमें ये नहीं पता चलता कि हमें यह कन्फर्म नहीं होता कि ये सभी के लिए है सो इन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया काफी सारे मेनी ऑफ द एश्योरेंस ऑफ रिफॉर्म है ना

उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है समझ गया होम रूल लीग मूवमेंट को मॉडरेट्स का तो वो अपना रिप्रेशन शुरू करेंगे वो अपनी लाठिया उठेंगे और इनको मारना शुरू करेंगे इनको जेल में डालना शुरू करेंगे सो so, यहाँ पे मॉडरेट्स तो हट चुके थे बाजू में उसके बाद एनी एनिबिसेंट जो थी केप्ट आइसोलेटिंग बिटवीन बींग सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट टॉक ऑफ रिफॉर्म एंड पुशिंग द होम रूल मूवमेंट फर्दर तो एनी एनिबिसेंट को भी समझ नहीं रहा था एक तरह से अगर हम देखोगे तो कि uh, क्या होना चाहिए गवर्नमेंट जो बता रही है वो सही है मर लीग मूवमेंट जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए उसके साथ साथ वो बहुत अच्छी एक फॉर्म लीडरशिप नहीं दे पाई अपने जो फॉलोअर्स थे उनको जितने उनसे एक्सपेक्टेशन थी फॉलोअर्स की उनका फॉलोअर्स का ऐसा मानना था कि बिसेंड ने पूरी तरह से हाँ वो चीज़ों पर खरी नहीं उतरी और अगर हम देखोगे तो उन्होंने ये भी कहा था उन्होंने शी अल्टीमेटली डिड अ कॉल द रिफॉर्म्स जो उन्होंने कहा कहा था कि अल्टीमेटली शी डिड कॉल द रिफॉर्म्स अनवर्दी ऑफ इंडियन एक्सेप्टेंस है ना इन्होंने ये कहा था कि आप जो हमें बता रहे कि हम ऐसा ऐसा करने वाले या ये ये चीज़ हम देने वाले ये सही नहीं है ये इंडियन लोगों को सेटिस्फाई नहीं करने वाले और हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी हमें ये पसंद नहीं आई सो दिस इज़ अनवर्दी सो अनवर्दी तो है ये तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे अनवर्दी जो है इसका मीनिंग मैं आपको बता बताते अनवर्दी यानी अयोग्य हमारे लिए योग्य नहीं है जो आप बता रहे हैं सो हमें आप कंफर्मेशन दीजिए ये भी उन्होंने बताया था बट फॉलोअर्स जो थे उन्हें ये लगा कि एनी एनिबिसेंट जो है ये अच्छे से लीडरशिप नहीं चला पा रही है तो सेप्टेम्बर नाइनटीन की बात है उसके बाद तिलक वेंट टू इंग्लैंड टू परस्यू लाइबल केस ओके okay, सो so मैं आपको ये बुक के बारे में बता दे तिलक को यहाँ से क्यों जाना पड़ा देखिए एनिबिसेंट ठीक है मूवमेंट चला रही थी बट 1918 में तिलक को इंग्लैंड में जाना पड़ा क्योंकि उनके एक केस हो गई थी सो so, वो केस जो थी वो अगेंस्ट इग्नेशियस वैलेंटाइन शेरोल करके है एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है सो so, ये है इग्नैशियस Valentine Shirol, British journalist, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है इंडियन अनरेस्ट उन्होंने इस बुक में एक तरह से देखा गया तो अच्छे कमेंट नहीं थे और उन्होंने तिलक को यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था सो so, यहाँ पे अगर आप देखो जब तिलक इसके सिलसिले में जाते हैं और यहाँ पे ये बोला जाता है कि तिलक के ऊपर अच्छे कमेंट नहीं किए गए थे इस बुक में और यही बताया था कि इंडिया में जो भी ख़राब सिचुएशन बन रही है उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लोकमान्य तिलक ही है और इस चीज़ के ही सिलसिले में उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था जो भारत में अशांति है वो सब चीज़ों के पीछे तिलक है और ये सब चीज़ों के लिए जब तिलक जाते हैं तो तिलक यहाँ पे केस हार जाते हैं वो बात अलग है बट तिलक जब इंग्लैंड में गए इस केस के सिलसिले में तो मैं आपको ये बता दूँ कि तिलक का अप्सेंस और बीसेंट की एनेबिलिटी बीसेंट नहीं पाई अच्छे से मूवमेंट और तिलक यहां पे प्रेजेंट नहीं थे जिसके कारण लोग बोले कि अब इस मूवमेंट में रह के कोई मतलब नहीं है ये मूवमेंट इफेक्टिवली नहीं चल रही है सो so, लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया क्योंकि लीडर्स नहीं थे अच्छे से चलाने वाले या फिर तिलक का अब्सेंस था तो उसके बाद अगर देखा गया तो धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो 1919 तक तो फिर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ही मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया था ना 1919 से आगे अगर आप देखोगे तो ना महात्मा गांधी जो थे वो नाइनटीन में ही इस देश में आ चुके थे उन्होंने जो मूवमेंट चलाना शुरू किया उन्नीस सौ उन्नीस से तो लोगों को एक यहाँ पे एक सब्सिट्यूट मिल चुके थे एक नए लीडर मिल चुके थे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के जो तरीके थे वो ज़्यादा इफेक्टिव लगते थे सो तो इस तरह से वॉर के बाद महात्मा गांधी को ही एज ए लीडर जगह मिल गई और मासेस उनको सपोर्ट करने लगे आ, होम रूल लीग जो थी वो धीरे धीरे काम नहीं कर पाई अच्छे से और कांग्रेस पार्टी में वो उन्नीस में मर्ज हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पॉपुलरिटी बढ़ रही थी और एक तरह से आप देखोगे तो महात्मा गांधी आने के बाद जो सपोर्ट था वो भी महात्मा गांधी जी जो को को बहुत बहुत अच्छा मिला था क्योंकि उनके तरीके कुछ अलग लग रहे थे इफेक्टिव लग रहे थे लोगों को जिसके कारण लीग में लोग सपोर्ट करना बंद कर दिया और जिसके कारण लीग जो थी इसके महत्व बहुत अच्छा तो रहा मूवमेंट का बट लीग ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई और धीरे धीरे वो लीग कांग्रेस में जाके समा गई इस तरह से जो होम रूल लीग थी ये भी बंद हो गई और यही सब था कि एक बहुत ज़ोर से होम रूल होम रूल मूवमेंट हमने चलाई हमने कोशिश की स्वराज्य मिले बट आखिर ये सक्सेस नहीं हो पाया

अच्छे से तो इस तरह से ये होम रूल लीग मूवमेंट चलाई गई अब हम देखते हैं हम एम सी क्यू सॉल्व करते हैं जो हमारा पिछला टॉपिक था उस पर सो so, जैसे कि मैं आपको कुछ लोगों ने जिन्होंने मेक एम सी क्यू चैलेंज कंप्लीट किया उनके नाम बता चुका हूँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ मेरा जो मेक एम सी क्यू चैलेंज है ये मैंने शुरू किया है ये मेरा इनिशिएटिव है इसमें मैंने आपको ये बोला है कि आप हर टॉपिक से जो भी टॉपिक पे डिस्कशन होंगे अगला लेक्चर आने के पहले उसके उसमें आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पोस्ट करना है उसके नीचे आपका नाम लिखना है और मैं आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये अगले दिन के लेक्चर में पब्लिश करूंगा आपके नाम के साथ सो so आपको ये करना है और लोगों को हेल्प करना है मैं फिर से आपको बता देता हूँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यू की तब तक आपको बहुत कठिन है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व uh, कर पाओगे सो so, ये करते रहिए तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें भेजा है गदर मूवमेंट और कोमागाटा मारू ये इससे ये क्वेश्चन है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है यहाँ पे लिंक लिखी हुई है इस लिंक पे क्लिक करें और अभी उसको देख ले स्नेहल आप उसके बाद पूरा सॉल्व कर पाएंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन भेजा है वो स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी पूछते हैं कि uh, कोमागाटा मारू जो है ये क्या था अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन ताइवान अ पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना नेवल शिप ऑन वॉएज टू कैनेडा अ चाइनीज विलेज वेयर माओ त्रे लुंग बिगेन हिज लॉन्ग मार्च आपको ये लिखना ये क्या था कोमा काटा मारू सो so, ये एक हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है और वो स्नेहल जी पूछती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तो गदर रिवॉल्यूशनरीज रिवॉल्यूशनिस्ट रिकग्नाइज लाला हरदयाल एज देयर लीडर टू रिऑर्गेनाइज रिवोल्ट इन इंडिया ना तो गदर रिवॉल्यूशन जो थे उन्होंने लाला हरदयाल को कहा था कि आप रिवोल्ट लाएंगे इंडिया में तो आप उसके उसको लीड करेंगे दूसरा उन्होंने कहा है कि गदर मूवमेंट रिमेन लार्जली अनऑर्गेनाइज तो ये अनऑर्गेनाइज थी इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नाइदर वन और टू अगला जो क्वेश्चन भेजा है वो अक्षत चौधरी जी ने भेजा है अक्षत चौधरी जी हमें पूछते हैं कोमा गाटा मारू वॉज लीज बाय हुम किसने लीज किया था इसको सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है सोहन सिंह गुरदीत सिंह लाला हरदयाल या भगवान सिंह ये मैं आपको बता चुका हूँ सो आप लोगों को ये सॉल्व करना है बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल पिपरेवार जी आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे अक्षत चौधरी जी आपने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है क्वेश्चन भी हमें अक्षत चौधरी जी ने भेजा है अक्षत चौधरी जी हमें एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है एसरशन और रीजन वाला एसरशन है कैनेडियन गवर्नमेंट पास कंटिन्यूस पैसेज एक्ट रीजन है गवर्नमेंट वाइट अमेरिकन वाइट लॉन्च ब्राउन इनवेजन सो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का ये याद रखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ आर ट्रू इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है both are wrong, दोनों गलत है सो so आपको ये यहाँ पे आ, आपको सॉल्व करना है बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी रहा एक और क्वेश्चन हमें भेजा था तो गदर वॉज अक्षत चौधरी जी ने अ मूवी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मूवी न्यूज़पेपर पार्टी पेसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है चूज करना है उन्होंने यहाँ पांच ऑप्शन लिखे हुए ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस ए बी सी बी सी डी ओन ले डी तो आपको ये यह यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर आपको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में उसके बाद एक और क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा अक्षत चौधरी जी पूछते हैं कि गदराइज फिक्स्ड ट्वेंटी फर्स्ट फेब नाइनटीन फिफ्टीन एज अ डेट डेट ऑफ फॉर एन आर्म रिवोल्ट इन फिरोजपुर लाहौर एंड रावलपिंडी अभी रावल पिंडी जो यहाँ नाम लिया ये रावल पिंडी कहाँ पे है प्रेजेंटली बांग्लादेश भूटान वेस्ट बेंगाल या पाकिस्तान So, बहुत अच्छे क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके बाद अगला क्वेश्चन पूजा भारद्वाज ने भेजा है पूजा भारद्वाज जी पूछती है कि जो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका उसके बारे में आपको लिखना है इन नाइनटीन पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वॉज फाउंडेड आफ्टर रिटर्न यानी ये जब लौट रहे थे तो कोमागाटा मारू डॉक्ट एट हुगली बजबज हार्बर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन फायर उन्होंने फायरिंग की जिसमें 18 लोग मारे गए 200 लोगों को जेल में डाल दिया गया गुरदीत सिंह जो थे ये भाग गए और 1921 में सात साल बाद इन्होंने सरेंडर किया ए एंड बी टू बी एंड डी थ्री बी सी एंड डी या फोर ऑल ऑफ द अबाव बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका एक और क्वेश्चन पूजा जी द्वारा पूजा भारद्वाज जी या पूजा जी हमें पूछती है फर्स्टली गदर वॉज पब्लिश सो गदर जो है ये पहले कौन से लैंग्वेज में पब्लिश किया गया फ्रॉम सैन फ्रांसिसको नोवर वन नाइनटीन थर्टीन को ये पब्लिश किया गया था इंग्लिश उर्दू पंजाबी हिंदी बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी अगला क्वेश्चन हमें भेजा है अलविशा पटवर्धन जी ने अलविशा जी हमें पूछती है विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू गदर पार्टी पेसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन प्रेसिडेंट वॉज लाला हरदयाल इट वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल गदर पार्टी के बारे में पूछा हुआ है सो सोला हरदेल ने फाउंड किया था बनाया था इट्स एक्टिविटीज आर मेनली कैर आउट इन कैनेडा एंड यूएस कैनेडा और यूएस में इसकी एक्टिविटीज चलती थी या फिर इट वॉज फाउंडेड इनटीन थर्टीन नाइनटीन 1913 में ये बनाया गया था वन टू एंड थ्री टू थ्री एंड फोर ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा जी द्वारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलविशा जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि टेंथ और आखिरी क्वेश्चन होगा आज के ये जो कल का टॉपिक था गदर मूवमेंट एंड कोमागाटा मारू से वॉट वॉज कंटिन्यूस पैसेज एक्ट Established बाय कैनेडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप माइग्रेशन फ्रॉम entering Canada, particularly पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिश टू स्टॉप इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया इंडिया से जो इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए तीसरा है अमेरिकन वाइट्स लॉन्च एजुकेशन अगेंस्ट इनकमिंग साउथ एशियंस है ना तो अमेरिकन जो थे उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था आंदोलन करना शुरू कर दिए थे जो साउथ एशिया से लोग आते उसके लिए था ये नन ऑफ दी अबाउ तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सो so, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आपने हमसे एम से क्यू प्रैक्टिस करवा ली स्नेहल पिपरेवार जी अक्षत चौधरी जी पूजा भारद्वाज जी अलविशा पटोर्धन जी आप सबके हम बहुत बहुत आभारी है हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सो इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहे एनसी क्यू सॉल्व करते रहे रेगुलरली रिविजन करते रहे इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे जितने व्यूज आते उतने लाइक भी आपके आने चाहिए लाइक क्यों कम हो जाते हैं आपका आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर हम नहीं बनाएंगे वीडियो अगर आपको लगता है तो ओके सर ऐसा आप टेंशन मत लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लाइक करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तभी मुझे और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ और ये मोटिवेशन मुझे भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ऐसा करते रहिए आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे पेजेस को श्रेयस बढ़िए श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन ये दो मेरे पेजेस हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िए द पीस लवर पर मुझे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ पर और श्रेयस बढ़िए एट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, so, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शुभ हो आप अच्छे से पढ़ाई करें इसी उम्मीद के साथ हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे सो so, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें